मेरे बच्चों, आओ मेरे बच्चों। मेरा नाम शोएब अहमद ख़ान है और मेरी लॉफ्ट जो है पूरे पाकिस्तान में स्काई मैराथन पाकिस्तान के नाम से जानी जाती है। और पर्सनली मैं लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस खेलने का शौकीन हूँ। आज से कोई 9 साल पहले मेरे पड़ोस में एक साहब शिफ्ट हुए थे, उनके पास ये स्पेशल ब्रीड है जो रेसेस के लिए यूज़ की जाती है, जिसको रेसर पिजन कहते हैं। पूरी दुनिया में मुख्तलिफ डिस्टेंसेस की रेसेस को परफॉर्म किया जाता है और हम पाकिस्तान में भी इसी तरह से शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस जो कि 300 GPS जो हवाई फासला हम लेते हैं 300 GPS तक के शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस परफॉर्म करता है। तो ये मेरा बर्ड जो है स्काई मैराथन पाकिस्तान शोएब ख़ान का बर्ड जो है ये बहुत मशहूर बर्ड है। कंटिन्यू 5 साल इसने रेसेस में परफॉर्म किया और बेहतरीन परफॉर्म किया। इस बर्ड का नाम जो है वो है फ़ख्रे खुशाब। इस रिंग का पर्पस जो है ब्रदर वो ये होता है कि इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी हुई है, ठीक है जी। ब्लैक सा जो आपको डॉट नज़र आ रहा है ये पूरी डिवाइस है इसके अंदर। इस डिवाइस को जब हम अपने बर्ड को पहना देते हैं यहाँ पर, मिसाल के तौर पर डेमो के तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने अपने बर्ड को ये रिंग पहना दिया। ये रिंग पहनाने के बाद मैंने ये डिवाइस लॉक कर दी, ठीक हो गया। अब ये बर्ड जब रेस में जाएगा, मिसाल के तौर पे हैदराबाद तकरीबन 150 GPS एयर डिस्टेंस या कहीं से भी 1000 GPS से भी अगर मैं इसे छोड़ूंगा, तो जब ये बर्ड वहाँ से बाकी क्लब के फैंसियर्स के बर्ड के साथ छूटेगा और ये मेरे घर पर वापस आएगा, तो जैसे आप देख रहे हैं कि बेंजीन के एंटीनाज हमने अपनी विंडो के ऊपर इंस्टॉल किए हुए हैं, ठीक है जी। तो ये बर्ड उड़कर आएगा तो ये इसका जाने का रास्ता है। हमने इसको ट्रेन किया हुआ है अपने तमाम लॉफ्ट के बर्ड को कि ये इस विंडो से वापस जाएंगे अंदर, ठीक है जी। जब ये बर्ड यहाँ से वापस अंदर जाएगा तो ये बर्ड जब इस एंटीना के ऊपर से गुजरेगा, ये देखें तो इसकी साउंड आई, बीप आई आपको इसकी, तो ये ऑटोमेटिकली ये रिंग जो बेंजीन का है इस बर्ड को क्लॉक करेगा इस क्लॉक के अंदर। इस वक्त मेरे पास जो है रेसेस के लिए जो है तकरीबन 50-55 के करीब बर्ड हैं। बहुत कम ऐसे फैंसियर पाकिस्तान में हैं जिनके पास इतने ज़्यादा क्वांटिटी में बर्ड हों जो कंटिन्यू 4-4 साल या 5-5 साल उन्होंने रेसेस में परफॉर्म भी किया हो और प्राइज भी विन किए हों। ये जो आपका जो शौक है और बेसिकली ये एक स्पोर्ट ही है जी, तो अगर कोई इसमें आना चाहे तो ये कबूतरों को किस तरीके से ट्रेन किया जाता है, उनकी उनको क्या चीज़ें खिलाई पिलाई जाती हैं और इतनी लंबी लंबी जो रेसेस होती हैं तो उनको कैसे पता चलता है कि हमें अपनी क्या कहते हैं डेस्टिनेशन पे वापस आना है। अल्लाह ताला ने इसके अंदर ये कुदरती सलाहियत इसके DNA में इसकी जीन के अंदर रखी हुई है कि जब हम इसको किसी भी जगह लगा ले जाकर रिलीज़ करते हैं तो ये अपनी केज से अपनी बास्केट से निकलने के बाद हवा में एक राउंड लेते हैं और ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड जो नॉर्थ पोल साउथ पोल जिस तरह से हम जानते हैं और सूरज की डायरेक्शन को देखते हुए अल्लाह ताला ने इसको ऐसी सलाहियत दी हुई है कि ये अपने घर का तायुन जो है या अपने घर की डायरेक्शन जो है बास्केट से निकलने के बाद जब हम इसे रेस में छोड़ते हैं तो ये एक राउंड लेता है और फिर जिस जगह भी उसके घर की डेस्टिनेशन होती है रास्ता होता है वो उस तरफ जो है वो निकल जाता है। हम अपने बर्ड को फर्स्ट स्टेप में अपने घर के ऊपर उड़ा उड़ा के उसकी सांस को पक्का करते हैं कि वो 1-1.5 घंटा एक गो में फ्लाई कर ले। जब हम इसको उड़ाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता 22-25 दिन में इसकी सांस इतनी बन जाती है कि जब ये आके बैठता है तो उसकी निशानी ये होती है कि इसकी चोंच नहीं खुलती, इसकी सांस नहीं फूलती। उसके बाद फिर हमारे पास बास्केट्स होती हैं प्लास्टिक की या लकड़ी की बनी हुई बास्केट्स होती हैं, हम उसमें 10-10, 20-20 बर्ड डाल के पहले हम उसको 10 किलोमीटर से छोड़ कर आते हैं, फिर वो घर आ जाता है, फिर अगले दिन या 2 दिन के बाद हम उसे 20 किलोमीटर से छोड़ के आते हैं, तो इस तरह वो घर आता रहता है और हम उसको तकरीबन 70-80 या 100 किलोमीटर या जैसे कराची से हैदराबाद तक के हम उसको छोड़ कर आते हैं और वो वापस आता है, तो इससे उसकी ट्रेनिंग जो है वो हो जाती है। इसमें हम सैटेलाइट की को भी इस्तेमाल करते हैं, सैटेलाइट्स के थ्रू भी यूज़ करते हैं। इसमें हम हवाओं के रुख को भी कंसीडर करते हैं, इसमें हम टेम्परेचर को भी मॉनिटर करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो साइंस से रिलेटेड हैं वो हम
इस गेम के अंदर शामिल किए बगैर इस गेम को सक्सेसफुली खेल नहीं सकते।